अस्सलाम वालेकुम, हम आपको वेलकम करता है इन द रेड कार्पेट ऑफ द आफ्टरमून शो। हमारा नाम है मकबूल खान और मैं रिपोर्टर नंबर वन, जैसे कि आप जानता है। लेकिन यहाँ पे बहुत तरह की काम चल रहा है, कोई भी चीज़ सर के ऊपर गिर सकता है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। इधर काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करो यार, नीचे भी काम चल रहा है। तो हम यहाँ पे अभी मिलेगा उन लोग से, आज देखेगा सबसे पहले कि शो के अंदर आया कौन है। सबसे पहले तो शो के अंदर वो दो बहन आया है जो हमारा बहुत फेवरेट है, जिनको देखे हमारा दिल हो जाता है बावरा। उनका नाम है उर्वा और मावरा। अब देखते हैं कि उनका कोई फैन लोग अगर रेड कार्पेट के अंदर में आया है तो उससे मिलते हैं, उसके सर पे भी कोई चीज गिरेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? सारा। कितना सारा? बहुत सारा। कितना सा तो आप है, बहुत सारा कैसे हो सकता है? और बताओ आपका अच्छा क्या सवाल? थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, इधर ना ऊपर काम चल रहा है। जी, सवाल हम आपसे क्यों पूछे? हमको तारिक अजीज शो तो नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो लतीफा हो गया है। खैर, आपको हम सवाल पूछता है कि आजकल ये जो मैच वगैरह चल रहा है दुबई के अंदर में, ऐसा देखने को मिला है कि फरहान सईद और उर्वा लोग उधर बैठ के मैच देख रहा था, जबकि मावरा उधर नहीं दिखाई दिया है। ये इंटरनेशनल लेवल के अंदर में बहुत बड़ा न्यूज बन गया है। आपको क्या लगता है क्या वजह रहा होगा तस्मिया के वो नहीं दिखाए? मुझे लगता है उनको टिकट नहीं मिली होगी। बहुत छोटा बात क्या है, टिकट का उनके पास बहुत पैसा है, बहुत माल चाप रहा है दोनों बहन। आप कोई और वजह आपको लगता है? मुझे लगता है कि उनका कोई झगड़ा भी हो सकता है। फूल से खुशबू जुदा हो सकता है, फूल से बावरा जुदा हो सकता है, लेकिन उर्वा से मावरा जुदा नहीं हो सकता है। ये बात याद रखा। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। बदतमीज आगे से चला गया है, ऐसे पीछे से जाते हैं। खैर, बहुत देर हो गया है रेड कार्पेट के अंदर में, अब हम चलते उस शो के अंदर जिसका नाम है दी आफ्टरमून शो। आराम से यार। वेलकम टू द आफ्टरमून शो। मैं हूं यासिर हुसैन और आज की ताजा खबर यह है कि गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे मुल्क में ब्रेकिंग न्यूज का ट्रेंड इतनी तेजी से परवान चढ़ रहा है कि हर न्यूज के साथ अगर ब्रेकिंग ना लगाओ तो देखने का दिल ही नहीं करता। ना सिर्फ ये बल्कि सोशल मीडिया पे भी ये सब कुछ शुरू हो गया है। जैसे कि आपको देखने में मिलता है कि यासिर हुसैन को आयशा उमर ने ऐसी कौन सी डाइट बता दी कि वो इतनी जल्दी पतले हो गए, जानने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए। आयशा उमर तो आयशा उमर, सनम जंग ने आज अपने मॉर्निंग शो पे ऐसा क्या बता दिया कि सब सुनकर दंग रह गए, जानने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए। मायरा खान की कुछ ऐसी तस्वीर हमारे हाथ आ गई जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, जानने के लिए लिंक पे क्लिक कीजिए। और जब आप लिंक पे क्लिक करते हैं तो दिल में ये ख्याल आता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा वो भी मरा हूं। तो मेरा मशवरा ये है कि आप उन वेबसाइट्स को भूल जाएं जो फैब्रिकेटेड न्यूज बनाती हैं, बल्कि आप फॉलो करें सिर्फ हमारे शो को। हर हफ्ते शाम 7 बजे हम टीवी पर हर ब्रेकिंग न्यूज लेके मैं हो जाऊंगा हाजिर। तो देखने से मत रहिएगा कासिर द आफ्टरमून शो विद यासिर। तो हर शो शुरू करने से पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अपने बहुत ही करीबी अजीज दोस्त इजाज भाई इजाज असलम से मशवरे लेता हूं। चलते हैं इजाज भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम इजाज भाई, कैसे हैं आप? यानी उधम। क्या मतलब इजाज भाई? यानी सेट पे ना एक्ट्रेसेस ने उधम मचाया हुआ है, किसी को बर्गर चाहिए, किसी को फास्ट फूड चाहिए। अबे इससे अच्छा तो मैं कोई कैफे खोल लेता, खामखा प्रोडक्शन हाउस खोल लिया मैंने। अरे इजाज भाई, आप कैफे में अजीब लगते हैं, आप इतने अच्छे नहीं लगते ना। यानी तेरे भाई का कमाल है, हर जगह पे अच्छा लगता है। पुराना मॉडल हूँ ना मैं, कशकोल के जमाने में मॉडलिंग करता था मैं। नहीं 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 इजाज भाई, ठीक है, मुझे यकीन आ गया। मुझे बताइए कि आज हमारे शो पे कुछ हसीनाएं आ रही हैं, आपको अंदाजा है, कुछ गेस कर सकते हैं? यानी करीना और कटरीना का तो प्रॉब्लम हो जाएगा वीजे का, मैंने खुद उनको बुलाने की कोशिश की थी एक दफा। मेरे ख्याल में उर्वा मावरा आ रही है तेरे पास। वाह इजाज भाई, क्या बात है यार, आपने तो फौरन गेस कर लिया। यानी ऐसे ही थोड़ी, रात को बादाम भिगोता हूँ पानी के अंदर, सुबह वो पानी निकाल के फेंक देता हूँ सीधे हाथ से और बादाम छील के खा लेता हूँ। तू भी खाया कर, छील के बहुत फायदा होता है, दिमाग बहुत तेज प्रोसेस करता है। नहीं वो तो सही है जासमी, लेकिन वो छील के खाना क्यों जरूरी है? यानी होता हवा था कुछ भी नहीं है, बस ये टाइम पास अच्छा हो जाता है। आप एक चबा रहे होते हो, एक छील रहे होते हो। ओ हाँ, सही कह रहे हैं जास भाई। अच्छा मुझे बताएं कि उर्वा मावरा के लिए कोई मशवरा देना चाहेंगे? यानी मावरा को चाहिए कि वो सिंगिंग शुरू कर दे। इजाज भाई, अभी उर्वा ने सिंगिंग किया तो आप चाहते हैं कि मावरा भी सिंगिंग करने लगे? यानी मैं तो चाह रहा था कि उर्वा जो है ना वो लड़कियों के लिए गाए और मावरा लड़कों के लिए गाए। इस तरह ना क्या है कि फरहान को भी ब्रेक मिल जाएगी। मुझे बताएं अगले हफ्ते आप फ्री हैं क्या?
यानी नेक्स्ट वीक तो आपका भाई फुल पैक चल रहा है। मैं ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंटार्कटिका जा रहा हूँ बाइकों पे। जाज भाई, अंटार्कटिका थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? वो दूर है काफी। यानी नहीं, शॉर्ट पता है मुझे, शॉर्टकट गलियों गलियों से घुमा के लेके जाऊंगा, बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ये पासपोर्ट ऑफिस के पीछे वाले जो पहाड़ है ना, ये अंटार्कटिका से जाके तो मिलते हैं। लेकिन एजाज भाई, आप जा क्यों रहे इतनी दूर? यानी उधर ना बाइकों का काम बहुत सस्ते में हो जाता है, कोई भी खराबी हो ना एकदम ठीक कर देते हैं वो लोग। लेकिन एजाज भाई, आपकी बाइक तो बिल्कुल ठीक है, मैंने खुद देखी है। वो तो ठीक है जानी, इतनी दूर चला के लेके जाएंगे तो खराब तो हो ही जाएगी ना। ठीक है एजाज भाई, आप जाएं, आपको फिर तैयारी भी करनी होगी। नहीं जानी, तैयारी तो तेरे भाई ने कल ही कर ली थी, कल से बाइकर ड्रेस पहन के घूम रहा हूँ। एजाज भाई, डेडिकेशन हो तो आपके जैसी क्या बात है आपकी। एजाज भाई थैंक यू वेरी मच, मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके जानी, अस्तला विस्ता, मूंगफली पिस्ता, काजू हो गया महंगा, मैंने दिखा दिया ठेंगा। हाँ, ओके एजाज भाई, बाय बाय। ये थे एजाज भाई, और अब हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं दो बहनें, और दोनों बहनों की है क्या कहें, दोनों फिल्म स्टार हैं, टैलेंटेड हैं, होशियार हैं, एक बहुत हसीन है तो दूसरी महजबीन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर करोड़ों दिलों की धड़कन एंड लाखों दिलों का चैन, उर्वा हुसैन और मावरा हुसैन। प्लीज आइए और तशरीफ रखिए, महंगे सोफों की जीनत और बढ़ा दीजिए। मावरा एंड उर्वा, कैसा लग रहा है शो पे आगे, सेट कैसा है हमारा? तो शुरू करते हैं हम थोड़ी बड़ी बहन से। चलो थैंक गॉड यू आर क्लेरिफाइंग। हालांकि इससे और ज्यादा कंट्रोवर्सी बन सकती है, लेकिन थोड़ी बड़ी बहन से हम शुरू करते हैं कि असली नाम उर्वतुल वुस्का हुसैन, दूसरी बहन का नाम मावरा हुसैन, भाई का नाम इनसे यजदा। तो अम्मी शायरा थी कि अब्बा शायरा? अम्मा शायरा नहीं थी, उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है उर्दू और अरेबिक में, तो जब वो पढ़ रही थी तो वो नाम मार्क करती रहती थी किताब में से। हाँ, कि मैं अपने बच्चों के नाम रखूंगी, इतना सोचते हैं। That is why she is Urwatul Wuska and तो उससे फिर ये नाम निकले। तो शुरू शुरू में प्रॉब्लम होती थी कि यार ये मुझे फिफ्थ ग्रेड तक अपना पूरा नाम नहीं पता था। Urwatul Wuska is a very very difficult for me to pronounce, I swear. उर्वा हुसैन बताना और नाम ही मुझे लिखना आता था, वो लिखने में भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग उर्वतुल वुस्का और इनसे यजदा एक साथ इतने फ्लो में नहीं बोल सकते। लेकिन इनसे यजदा बड़ा खूबसूरत नाम है भाई का नाम, वो ठीक है वैसे? बिल्कुल, तो काफी सुना, लंबा हो गया। हाँ, है ना? माशाल्लाह काफी। अच्छा, मावरा ज़ेबा बख्तियार और सलमा आगा के बाद मावरा मेरे ख्याल में, मैं ये नहीं कहूंगा कि वाहिद, लेकिन ऐसी खातून एक्ट्रेस रही हैं जो बाहर जाके जिन्होंने अपना स्टार्ट किया और फिर पाकिस्तान में काम किया। तो ऐसा क्यों, पाकिस्तान से ऑफर नहीं थी? नहीं, क्यों, जहाँ से भी ऑफर आए और अगर आपको सब्सटेंशियल लगे, यू मस्ट ऑलवेज डू इट। लेकिन वैसे पाकिस्तान से ऑफर्स थी उस वक्त? हैं तो कर रही हूँ अभी भी, वापस आके भी और जाने से पहले भी। आप तो करना मजबूरी है। नहीं नहीं, अब क्या हो सकता है, तुम लोगों ने जो हमारी गेम खराब किया ना वहाँ जाके। नहीं, जाने से पहले भी आई वाज शूटिंग फॉर अ सीरियल हियर और आने के महीने बाद भी आई वाज शूटिंग, देयर वाज नो हॉल्ट, देयर वाज नो ब्रेक। अच्छा, मैंने वो देखा कि मावरा रणबीर कपूर की फैन है, रणबीर कपूर मावरा का फैन है, रणबीर कपूर की अम्मी मावरा को खाना खिला रही है, तो तस्वीरें वो जाके माहिरा के साथ क्यों खिंचवा रहा भला? क्या क्या जवाब बनेगा इसका? अच्छी लग रही है। लिंक पे क्लिक कीजिए इसके लिए कि मावरा ने इस सवाल का क्या जवाब दिया होगा, उसके लिए लिंक पे क्लिक करें। अच्छा, वैसे इस क्यूपिड ने कब तुम पे हमला किया? क्यूपिड या ये मावरा के कंधे पे रख के तो हमला नहीं हुआ क्यूपिड ने जो किया, कि कब कहा फरहान ने के दुर्दाना हेल्प मी? मैं करी थी नामल मुफ्ताद वन, दैट्स व्हेन आई मेट हिम।
so it's been about Farhan nahi the nana wali wajah se no while I was shooting it that's when it happened wo ek aur baat hai ki Urwa ke hero ka naam film mein Farhan nahi tha which is why it is such a strong memory that I remember ke us waqt main naam wali mufraz Farhan ke character ka naam Farhan but we met at a really random party and we connected lekin jante to pehle se the na wo to bahut arse se nahi hum tabhi hi mile tabhi jane ek dusre ko ab 3.5-4 years ago acha pakistan mein rehte hue Hamza Abbasi ke hote hue Phantom ko support kar diya kya soch ke kiya ke Sardar bahut khush hoga shabashi dega pata hai kya kuch cheeze lag rahi ho very I love the ye to sahi hai ye sab sahi hai lekin mujhe chahiye jawab you know kuch cheeze aap jo cheeze kehte hain ya karte hain ya likhte hain wo aap ye soch ke nahi kehte ya likhte ki Yasir kya sochega ya wahan piche koi baitha hua hai wo kya sochega main to awam ke liye because you are a person and you think and you do things marvelous ki sabse marvelous baat kya hai सबसे मार्वेलस बात ये है दैट शी इज काइंड टू अ लेवल व्हिच इज अनरियल इट्स अनरियल शी इज दैट काइंड एंड शी एम्पथाइजेस सो मच विद पीपल सबके साथ या सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं सबके साथ इतना फील करती है दूसरों के लिए इतनी काइंड है दैट इट्स रियली डिफरेंट आई थिंक आई रियली मत करो मुझे मदर टेरेसा की फीलिंग आनी शुरू हो गई है मावरा से मेरा सारा इमेज टूट रहा है ये सबसे प्रोमिनेंट जो अच्छाई है अच्छा मावरा तुम्हें क्या लगता है कि उर्वा का कौन सा प्रोजेक्ट है जो लगता है कि उर्वा को नहीं करना चाहिए नथिंग रीसेंट लेकिन बहुत सारे सीरियल शुरू में ऐसे किए हैं जो शायद ना भी करती तो कोई फर्क ना पड़ता यू नो नो बट आई फील बट आई फील तो आधा काम ही नहीं पसंद एक चीज नेम नहीं कर सकती बट अभी रिसेंटली जो इसने काम किया उसमें से तो मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि वो सब बहुत इंपैक्टफुल और बहुत कमाल दुर्दाना में तो मुझे बहुत ही जबरदस्त लगी कि वैसे अंग्रेजा में बहुत सो मे बी समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट वी कैन जस्ट स्किप नो बट आई फील कि एवरी प्रोजेक्ट टीचेस यू समथिंग ऑन द अदर कुछ ना कुछ आप सीखते हो कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो लगता है कि यार कौन सा प्रोजेक्ट यू वांट लाइक ऐसा तो कुछ नहीं रहा इतना कोई आई थिंक मतलब आई लव हर इन एवरीथिंग तो मेरी बायस इज देयर ये मुझे अंदाजा मैं नहीं कह पाऊंगी कि ये अच्छा है अब ये बल्कि एक्चुअली बड़ी खतरनाक बात है क्योंकि हम एक दूसरे को बहुत ऑब्जेक्टिवली गाइड नहीं कर पाते बिकॉज यू नो वी लव ईच अदर तो आपको पता नहीं चलता कि क्या अच्छा दो मेनू पंजाबी आंदी है बिल्कुल भी नहीं आंदी तो अनु तो पता ही नहीं है जमे मेनू तो पता मैं उन चेक करे के हम मैं तब से जानती हूं जब से मैं 13 साल की थी अब यासिर कितने साल का था अब यासिर मैं अगर बता दूंगा तो इन दोनों की असली उम्र भी सामने आ जाएगी ये अब तो पासपोर्ट का दौर है सब लोग बाहर तो विकिपीडिया का दौर है एक्चुअली आपकी वजह से असल उम्र आ जाए सामने अच्छी बात है हम तो असल उम्र लेकिन लेकिन बाकी इन लोगों का हमारा बहुत पुराना साथ है हमने थिएटर किया बहुत ज्यादा एक साल इस्लामाबाद में और बहुत अच्छा टाइम क्या पंजाबी क्या हमें डांस सिखाने में कुछ कुछ डांस सिखाने में लेकिन वाकई हम पंजाबी बोलते नहीं गई उठी है तो पंजाबी फिल्म करने का कोई इरादा है दोनों में से किसी का भी नहीं तो मैं दुर्दाना में आई तो लेकिन फिल्म पंजाबी एड्डा तो फवाद फवाद नहीं सुनया जड्डा अरे नहीं वो तो मैं कह रहा ताड़ी ते बड़ी जबरदस्त अदाकारी से लेकिन कोई इरादा है कि कोई पंजाबी फिल्म ऑफर हो जाए शान दे नाल जिवें गंडासे दू पीछे करके मामला निकल जैसे आपने पिछला सवाल पूछा वही जवाब मैं आपको दूंगी कि कंटेंट मैटर करता नहीं फर्क पड़ता कहां से आई कॉल नहीं फर्क पड़ता किस लैंग्वेज में है कंटेंट अच्छा कंटेंट है गो फॉर इट तो अभी ऐसा कुछ चल रहा है नहीं पंजाबी आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग ऑफर्ड टू मी पंजाबी या आई थिंक पीपल शुड मेक मोर पंजाबी स्टार हां आई मीन इफ दे मेक इट बहुत मीठी होती है पंजाबी क्यों नहीं बहुत अच्छी ज़बान है मेरे ख्याल में जरूर करना चाहिए आप लोगों का अच्छा दोनों को बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं हमेशा और आप लोग जब उसको सोशल मीडिया पे लगाते हैं तो नीचे लिखा होता है कांट वेट टू यूज इट कांट वेट टू ट्राई इट तो सारी जिंदगी तो ये वेटिंग में गुजर रही है आप पहले मुझे एक सवाल आप कितना स्टॉक करते हैं हमें मैं तो रहता ही आपके सोशल मीडिया पे और मैं क्या कैप्शंस भी पता है व्हाट्स गोइंग ऑन मैं क्या मेरी पूरी टीम आप दोनों के सोशल मीडिया पे रहती है नहीं एक्चुअली पीपल आर वेरी काइंड हमें वो चीजें सो हम बेस्ट वर्ड्स ढूंढते हैं टू थैंक टू टेल देम दैट वी केयर वी आर एक्चुअली वेरी रियली अप्रिशिएट कैसे समझ आती है सारी बातें कि यार किसको क्या जवाब देना है और इतनी इतनी नन्ही उम्रों में कैसे हो जाता है ये टोन चेक करो तुम कैसे हो जाता है ये तो आपको ही पता होगा आपकी भी उम्र अम्मा ने बहुत अच्छी तरीके से हर चीज हैंडल करनी आती है हर चीज करनी सिखा दी उन्होंने तो इसी बात के साथ कि इनकी वालदा ने इनकी तरबियत बहुत अच्छी की है बच्चों को सोशल मीडिया भी आ गया है हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ तो देखने से मत रहिएगा कासिर दी आफ्टरमून शो विद यासिर कौन सी टेबल है जो आप खा सकते हैं
और जोर लगाओ, शायद दिमाग फट के जवाब बाहर आ जाए। ये वाली टेबल, टेबल स्पून आप खा सकते हैं? तो मामा तुम्हें नहीं आता? Just a second, let me... सारी दुनिया को पता चल गया। हारने के बाद लड़की का एटीट्यूड चेक करें आप। डन। Hello and welcome back to the afternoon show. मैं हूँ यासिर और मेरे साथ ये स्कूल की दो नन्ही बच्चियाँ यूनिफॉर्म में खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल के बच्चे मम्मी भी बनते हैं ड्रामा, फिर हम लोग शुरू करते हैं 16 से फिर लव स्टोरी तक जाते हैं। हाँ, वो मैंने देखा, लेकिन अच्छा तो कॉफी कैसी लग रही है आप लोगों को? अच्छा, अब करना ये है की ये जगह, हाँ हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज, ये है चाय या ठंडा? यहाँ पे हम लोगों से अमूमन पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, चाय या ठंडा, लेकिन आपने पहले ही बता दिया था, आप लोग स्मार्ट हैं तो आप लोग पी रहे हैं और मैं भी पी रहा हूँ। अब ये जो चार है ना, अचार आपके और चार आपके, ये है ब्रेन बूस्टर्स। यहाँ मैं आपसे कुछ रिडल्स पूछूंगा जिसके आपने जवाब देने, ठीक है? अभी आप करेंगे ये कि आप दोनों एक दूसरे का नसीब निकालेंगे इसमें से, ठीक है? मतलब उरवा के लिए मावरा उठा, आपने सिर्फ टच करना है, मैं खुद उठा लूंगा, सही है? और मावरा के लिए उरवा, अरे नहीं टच इसको करना, मैं कोई नया आईफोन हूँ। चले शुरू करें, उरवा आप शुरू करें, कौन सा मावरा के लिए आप निकालना चाहिए? मैथ्स का क्वेश्चन, केमिस्ट्री के दो मिस्ट्री के सवाल पूछेगा। आई नेवर आस्क क्वेश्चन बट आई एम ऑलवेज आंसर्ड, व्हाट एम आई? फोन। हाई फाइव। मैं पता क्या कह रही थी, क्वेश्चन। हां, आई लव यू एंड इज्जत रखी। चलो मावरा निकालो, सिर्फ टच करना बस। वो कौन है जिसका मैका जंगल में है और ससुराल शहर में, और वो बहुत डाउन टू अर्थ है? बहुत मुश्किल है भाई। हाँ हाँ, बहुत मुश्किल है, केमिस्ट्री का ये है। थक गया ऑलरेडी। मेरे ख्याल में आप एक ब्रेन बूस्टर पिए ताकि आपका दिमाग चले, क्योंकि आपको लेट मी ट्राई, ये तो सब पीने ना, जब ना आता नो फ्रे नो फ्रे नो फ्रे, ये सब पीने जब ना आता हूं। तो मामा तुम्हें नहीं आता? Just a second, let me... सारी दुनिया को पता चल गया। पी लो, पी लो। वो बहुत डाउन टू अर्थ है। इतना नहीं सोचते। ग्रीन मत पीना, झंडा बन जाएगा। ग्रीन नहीं पीना। आई लव माई फ्लैग। चलो। एंड आई लव माई फ्लैग। पूरा 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 पूरा। डन डन डन। ये बहुत सारी तालियां। तो इसका जवाब है झाड़ू। जंगल में उगते हैं, उसके तिनके जंगल में उगते हैं और वो शहर आ जाती है, और डाउन टू अर्थ। ओहो वाह वाह, इस बात पे ओह माय गॉड, ये सवाल गलत था। थैंक यू, बिल्कुल गलत नहीं था, बिल्कुल गलत थी। अब आपको अंदाजा हो गया किस तरह के सवाल है। चले मावरा उरवा के लिए। यूं मेरी बारी। उरवा तुम मावरा के लिए निकालो, एक ही बात है यार, मैंने डर कितना लिया, मेरा दिमाग रेडी है ना। एक बकरा इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहता है, वो पानी पीता है इंडिया का, घास खाता है पाकिस्तान की, तो बताएं दूध पे हक किसका होगा? बकरे के दूध पे, बकरे का दूध कहाँ से है? यही आंसर था मामा। यार आ गई हो। अच्छा वैसे ये बकरा है कौन? मुझे आतिफ असलम लग रहा है ये जो बॉर्डर पे रहा है। तो निकालो उसके लिए। उसने पूरा ही पी लिया। अच्छा तुम निकालो। चलो चलो, हर मुल्क का झंडा रेक्टेंगुलर होता है या स्क्वायर होता है? हाँ। कौन से मुल्क का झंडा स्क्वायर, कौन से मुल्क का होता है? पहले एक सेकंड। चलो स्क्वायर नहीं होता, रेक्टेंगुलर नहीं होता, लेकिन एक ट्रायंगल किसी का है झंडा। आई एम सो सरप्राइज्ड एट लाइफ। ट्रायंगल झंडा पी ले, मेरे ख्याल में एक ब्रेन बूस्टर हो जाए। गो फॉर इट। उरवा डन हो गया। ये बड़े मजे के हैं। हारने के बाद लड़की का एटीट्यूड चेक करें आप। डन डन ले लिया मैंने। नेपाल है भाई जवाब, नेपाल का झंडा तिकोना होता है। चलो दैट वाज इंफॉर्मेशन, विल नॉट बी प्राउड। आई डिड नो दैट। चले और आपकी बारी है मावरा के लिए, आप एक सवाल निकालेंगी। मैं कितना अच्छा सवाल निकाला है ना, मेरी क्या गलती है आंसर लाया। मैं जानदार नहीं हूँ फिर भी मर जाती हूँ। क्या क्या हूँ मैं, ये तो मेरा क्या है? मैं जानदार नहीं हूँ फिर भी मर जाती हूँ। फिर भी मर जाती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो नहीं देख रही यार, डोंट बी सो नर्वस। मैं एक मिनट में आपको, फिर भी मर जाती हूँ। उम्मीद
बहुत डीप है, उम्मीद मर जाती है, ये सही जवाब होना चाहिए। नहीं बेटा नहीं, दिस हैज टू बी द राइट आंसर। उम्मीद मर जाती है इंसान की, डू यू रियलाइज। हां ये किताब के लिए रख लो संभाल के, अभी छोड़ दो इन बातों को। इसका जवाब है बैटरी, बैटरी एक तरह हो जाए। बजाओ म्यूजिक, ये बैटरी खत्म होती है। बैटरी डेड होती है भाई, डेड। ये किसने बनाया? मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। क्रिएटेड दिस लाइन। उम्मीद कभी नहीं मरी? नहीं, झूठ, क्योंकि उम्मीद तो दुनिया कायम है। टूटा होगा उम्मीद, दिल टूटना एक और चीज है, उम्मीद मरना एक और चीज है, इसलिए बात गलत गलत हो गई। उम्मीद जानदार नहीं होती, बट उम्मीद मरती। मैं कह रहा हूँ आप इनसे पूछें रेड अच्छा था या ग्रीन, वो वाला पी लें। भाई बैटरी डेड होती है, क्या हो गया? ग्रीन वाला इज रियली नाइस मामला, यू शुड गो फॉर इट। नहीं मरती उम्मीद बहना, चलो बहना उससे पूछिए जैसे वो जज यहाँ पे हम है जज। यहाँ कहते नहीं उम्मीद मर गई। चलो 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 शाबाश, आई एम विद यू ब्रो, ही इज चीटिंग। यार ये ब्रो यार इज अ चीटर, ही इज अ चीटर, ही इज चीटिंग। ये चीज वो दवाई है ना बचपन वाली? नहीं वो आगे वाली है। चलो अच्छा, इट गेट्स इंटेंस। मावरा चलो फॉर मी प्लीज। अब अच्छा यार मैं क्या कर सकती हूं? यासिर ने प्लान, वो कौन सी टेबल है जो आप खा सकते हैं? और जोर लगाओ, शायद दिमाग फट के जवाब बाहर आ जाए। ये वाली टेबल कोशिश पूरी, आई एम ऑलरेडी फीलिंग ट्रॉमेटाइज्ड। कौन सी टेबल है? कोई हिंट तो देना चाहिए यार। हिंट यही है कि कौन सी टेबल है जो आप खा सकते हैं? टेबल स्पून आप खा सकते हैं, मतलब उसमें कोई डाल के देना। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि उर्वा टेबल स्पून भी खाती है। मेरे ख्याल में बूस्टर पीने का वक्त आ गया। आप सही जवाब। अच्छा मेरे जवाब बताओ, पता है बहुत स्ट्रेस हो रहा है। वेजिटेबल। ओह ये इजी था यार, इसमें बनता है। चले उर्वा आपने काले मावरा के लिए। यार मुझे कुर्सी चाहिए, मैं यार वो क्या चीज है जिसका गला भी है और मुंह भी है लेकिन बाकी जिस्म नहीं है? मुझे आता था, ये मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था। रेड वाला। वेरी गुड वेरी गुड, एनर्जी आएगी। चाहिए बॉटल। चलो बस आ जाओ, अब वो उठाइए ना। नो, आई हैव टू आंसर। आपको अपनी जान बचाने के लिए तीन कमरों में से किसी एक में से भागना है। पहले कमरे में आग लगी हुई है, दूसरे कमरे में कुछ दहशतगर्द है, तीसरे कमरे में काफी अरसे से भूखा शेर है। मोटर आगे बोलना भी तो है। अच्छा देखो, तीसरे कमरे में जो काफी अरसे से भूखा शेर है, वो क्या है? वो बंदा होगा, और शेर बंदा है। बीबी मैं देख नहीं पा रहा हूँ जादू के गोले में। तो फिर पी लो एक। जवाब इसका ये है कि भूखे शेर वाला कमरा, क्योंकि मैं साफ साफ कह रहा हूँ तीसरे कमरे में काफी अरसे से भूखा शेर है। काफी अरसे से भूखा, ऑब्वियसली मर चुका होगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। So much depth again. यार चलो भाई चलो। अच्छा। एक तुम इनके लिए चुनो और एक ये हो गया। हाँ, अब ये है तुम्हारा, ठीक है जी। एक लड़की की उम्र 10 साल थी उसकी पिछली सालगिरह पे, ओके, और उसकी अगली सालगिरह पे उसकी उम्र 12 साल होगी, ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि वो 11 साल थी। क्योंकि आज उसकी सालगिरह। जवाब ठीक है, ये वो 11 साल थी। मैथ्स सही बता दिया उसने। और वह आपकी बारी है। वो कौन सी चीज है जो सर्दी में भी पिघल जाती है? दिल। दिल। और भाई इनसे किताबें लिखवाएं, इनसे फिल्में विल्में ना कराएं, ये दोनों तो बहुत डीप चल रही हैं। बहुत समझ रहे आप, शायर हो जाओ अहमद फराज के लो जाओ। और वह मोमबत्ती कैंडल क्या? तो वो बंद है ना, किसने कहा जलाई है? अरे सर्दियों में भी पिघल जाती है जी। हुई मोमबत्ती सर्दियों गर्मियों कैसे पिघलेगी? एग्जैक्टली जी, मोमबत्ती नहीं है वो, और मोमबत्ती क्यों होगी जब वो बुझी हुई होगी। जीत चुकी है मावरा, और इसमें ये होता है कि जो हारता है हम इनाम उसे देते हैं, क्योंकि इनाम में आपको ब्रेन बूस्टर की बड़ी बोतल मिलेगी। आपको स्पीच देना चाहें अगर। आई एम वेरी हैप्पी एज लॉन्ग एज आई एम
getting something. Hmm. So, yeah, this is fine. I'll steal it. Share bhi kar sakte ho. Matlab maine ghar jaane se pehle chura liya. Please, please, wo bhi zarur kehna. Can't wait to use it. Can't wait to drink it. I can't wait to drink it. Have it. Haan, have it. Yeah. Thank you very much. Bahut acha khele aap dono. Wapas couch pe baithne ka waqt aa gaya hai. आइए कैसी हैं आप जबरदस्त मुझे नहीं चलेगी गलत स्पेलिंग नहीं चलेगी क्या बात कर रहे हैं अंकल कौन सी गलत स्पेलिंग नहीं चलेगी अरे वाह नन्हे बन रहे हो जैसे कुछ पता ही नहीं है अरे अंकल हमारे गेस्ट हैं वो हाँ गेस्ट तो है लेकिन इतनी प्यारी खूबसूरत दो लड़कियों के बीच तुम क्या कर रहे हो तुम साइड हो जाओ मैं इनसे बात करूँ साइड है अंकल मावरा कैसी हैं आप और कल शाम को क्या कर रही हैं अंकल आपको तो बोलने में मुझसे भी ज्यादा मुश्किल हो रही है मैं तो ये कह रहा हूँ अंकल और मावरा की आवाज कितनी मिलती है माफ कर दे लेकिन अंकल उर्वा भी आई हुई है उर्वा की भी बात कर लें भाई उर्वा से ये बात तो फरहान को पूछनी चाहिए ना मैं अपना टाइम क्यों बर्बाद करूँ क्या कह रहा था कल शाम को आप क्या कर रही अंकल मुझे बताएं आपके पास कोई जोक है कि नहीं है हाथी की तबीयत खराब है हाथी की तबीयत खराब हुई क्या हो गया उसे हाथी को चिकन गुनिया हो गया चिकन गुनिया अंकल हाथी को चिकन गुनिया कैसे हो सकता है भाई जब चूटी को मलेरिया हो सकता है और मच्छर को बुखार हो सकता है तो उसको क्यों नहीं चिकन गुनिया हो सकता अंकल आप बहुत झूठ बोल रहे हैं बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हैं कोई अगर जोक आपके पास है तो वो सुनाए नहीं तो फिर आप भाई ये तो झूठ बोलना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है बाएं हाथ का मेरी सही है आप बाएं हाथ का ही खेल है आपका हाथ ही बाया है दाया तो आपके मुंह में हाथ लेकिन थोड़ा अडल्ट है अगर तुम्हारी ज्यादा तो तुम बर्दाश्त कर लो तो मैं सुना देता हूँ अच्छा अंकल सुना दे अगर सुना दे भाई एक औरत ने रक्षे वाले को रोका और कहने लगी डिफेंस जाओगे तो रक्षे वाले ने कहा हाँ जाऊंगा तो औरत ने कहा भाई जाओ यहाँ पर खड़े हुए क्या कर रहे हो अंकल इसमें अडल्ट जोक क्या था ओ भाई वो जो रक्षे वाला था और वो जो दूसरी आंटी थी वो दोनों अडल्ट थे ना ठीक है गुड वन आपको पता है ये माशाल्लाह इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स बैठी हुई तो इनके दिल का हाल तो पूछ ले जरा दिल का हाल भाई या फिर आप पूछना इनके दिल का हाल वो जो इनकी गाना है मूवी में खींच मेरी फोटो वो किसके लिए वो किसके लिए जो गाना वो भाई वो मेरे लिए गाना इन्होंने डलवाया स्पेशली ये मेरे साथ पिक्चर खिंचवाना चाहते हैं ये कैसी बातें कर रहे हैं आप यार ये अंकल ऐसे जाने नहीं देंगे अगर आप लोग एक सेल्फी ले लेंगे इनके साथ तो ये बहुत खुश हो जाएंगे थैंक यू वेरी मच अंकल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे और ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो ये दोनों वहां होंगे जहां इन्हें नहीं होना चाहिए तो देखते रहिएगा दी आफ्टरमून शो विद यासिर वकार जगह कहते हैं कि उन्होंने आपको डिस्कवर किया लेकिन जब आप मशहूर होंगे तो आप उन्हें भूल गए और आपने कहा कौन वकार जगह में तो नाम भी नहीं जानती आप पर इल्जाम है कि आप उर्वा से जलती हैं हेलो एंड वेलकम बैक टू द आफ्टरमून शो मैं हूँ यासिर और वो दोनों हाँ हाय क्या हाल है मैं आपकी मदद करने आ रहा हूँ ये क्या हो रहा है वो दोनों इस वक्त वहाँ मौजूद हैं जहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए लेकिन क्या करें ये एक जगह है जहाँ पे सबको जाना भी होता है इंसाफ का तराजू दुकान में है दाल वाल तो इसके अंदर लेकिन ये हमारे इल्जाम नहीं ये आवाम के इल्जाम है जो हम इन पे लगाएंगे और ये बताएंगे सोशल मीडिया से हमें इल्जामात मिले हैं जो आज हम लगाएंगे दो नन्ही मासूम बच्चियों पे हमारी टोन को बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मेरे अंदर एक वकील उतर आता है सिलसिला शुरू करते हैं इल्जाम का उर्वा आप पर इल्जाम लगाया गया है एक शख्स की तरफ से वकार जगह कहते हैं कि उन्होंने आपको डिस्कवर किया लेकिन जब आप मशहूर होंगे तो आप उन्हें भूल गए और आपने कहा कौन वकार जगह में तो नाम भी नहीं जानती नाम मैं जानती हूँ he was a great colleague and a great person and I would say that he has guided me a lot because he used to work at the channel where I was a VJ
And I think all my co-workers, all the colleagues have really helped me through that process because I was 18 jab main Karachi aayi thi, so mujhe, I was not as great as a host that you are today. Thank you. But thank you, I would say that I was discovered by theatre. And all the credit forever goes to that. बस कर पगली रुलाएगी क्या? मावरा आप पर इल्जाम है कि आप अपना गाना तू किच मेरी फोटो जबरदस्ती दोस्तों के फोन में रिंगटोन सेट कर देती हैं। मेरी फोटो इज ऑलरेडी पॉपुलर इनफ आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग ये यही जवाब सुना है तालियां उर्वा आप पर इल्जाम है कि आप अक्सर एयरपोर्ट जाकर तस्वीर खिंचवाती हो जाती वाती कहीं नहीं क्या ये कौन करता है क्या आपको पता चल रहा है फैजल से एयरपोर्ट जाना कितना मुश्किल है कोई जा सकता है तस्वीर के लिए कभी नहीं बहुत बहुत मुश्किल काम है ये गलत इल्जाम इनपे तो हर इल्जाम गलत है तो एंड में हम फंस जाएंगे सही इल्जाम सुन नहीं नहीं अल्लाह मावरा आप पर इल्जाम है कि आप उर्वा से जलती हैं इसीलिए जब JPNA 2 के लिए कास्टिंग के लिए कॉल आई तो आपने झूठ कह दिया कि वो बिजी है और मैं अवेलेबल The reason why I am doing JPNA 2 is her क्योंकि जब मुझे script offer हुई तो हम कह रहे हैं तो उर्वा उस team के साथ recently काम कर चुकी थी and on her guidance I have basically signed JPNA तो जलने वलने का तो सवाल ही नहीं है सवाल ही चले तो उर्वा करे या मैं करूँ बात तो एक ही है हाँ नहीं जब दोनों जलती तो इतनी गोरी ना होते हैं ये point point देखा कितना उर्वा आप पर इल्जाम है कि आप आइटम नंबर इसलिए नहीं करती क्योंकि आप हमजा अली अब्बासी की फॉलोअर हैं बाकी बारिश वाला गाना अलग है वो नोट अ गार्डन और आई मीन नो आई थिंक आई हैव आंसर फिल्म्स आ गई है कभी कोई आइटम मैं आपको बता दूं आई हैव आंसर्ड दिस बिफोर एंड अ लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट इससे वुमेन आर बीइंग टारगेटेड और दे आर ऑब्जेक्टिफाइड आई फील के हर किसी को राइट है टू चूज टू पिक एंड चूज व्हाट दे वांट टू डू व्हाट दे वांट टू वेयर हाउ दे वांट टू कैरी देमसेल्व्स सो आई एम नॉट अगेंस्ट आइटम नंबर्स आई थिंक दे आर ब्यूटीफुल दे आर अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ डांसिंग एंड व्हाटएवर वी सी ऑन स्क्रीन इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट सो आई डोंट थिंक आई मीन नेवर से नेवर आई माइट जस्ट डू वन एट सम पॉइंट हो गया जी सो अब खत्म हो गया अब मैं भूल गया कि हमने अगला इल्जाम क्या लगाना था लेकिन मैं याद करके अगला इल्जाम लगाता हूँ मावरा आप पर इल्जाम है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाती हैं तो रश देखकर अब मुंह पे हाथ रख के आवाज लगाती है मावरा हुसैन को रास्ता दे मावरा हुसैन को रास्ता दे और खुद ही गुजर जाती है बीच में इसमें कितनी सच्चाई है आई थिंक मेरी टीम काफी है आई वांट टू सी मेरी टीम काफी है मेरी तो मैंने इनकी अभी देखी बनाने की इन दोनों से इतनी टीम है मुझे लगा हमारी टीम का उनसे क्रिकेट मैच है तकरीबन 11 लोग नहीं एक्चुअली एयरपोर्ट पे जब लोग आते हैं तो मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मुझे बहुत खुशी होती है तो मैं बिल्कुल मुंह नहीं छुपाती हूँ और मैं जितनी हो सके फ्लाइट से पहले सेल्फीज लेती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है उर्वा आप पर इल्जाम है कि आप फरहान के कॉन्सर्ट्स में सिर्फ इसलिए जाती हैं क्योंकि जब खूबसूरत लड़कियां चीखती हैं फरहान फरहान तो आप पीछे से आवाज लगाती हैं मेरा शौहर मेरा दिस इज द लास्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट दैट आई वुड डू आई थिंक आई रियली enjoy his concerts and I feel कि हर दफा फरहान जो है वो because he sings live तो वो हर दफा एक नए तरीके से गा रहा होता है तो I really enjoy it so I go to the concerts अच्छा आप दोनों पर एक इल्जाम है कि आप दोनों social media में क्योंकि इतनी champion हैं तो आप अपने fan pages भी खुद चलाती हैं उन्हें बताती हैं कि नहीं नहीं इस तरह होता है तो fan pages तो हम काम किस time करते हैं यार हम सोते कब हैं खाते कब हैं भाई मेरा इल्जाम नहीं है मुझे नहीं आवाम को बताएं आवाम को मावरा पर आखिरी इल्जाम है आप पर इल्जाम है कि आप एक मैगजीन के टिकट पर बाहर जाती हैं और दूसरे मैगजीन का शूट करके वापस आ जाती हैं मैं जो मैगजीन करती हूँ वो हर दफा मुझे नई टिकट देते ये बात एक मैगजीन के जाके दूसरे की जरूरत नहीं है इसके साथ ही हमारा इल्जामात का सिलसिला खत्म हुआ और क्या जबरदस्त खेले हैं आप लोग ये प्रोमो मोमेंट आ गया हमारे पास क्या जबरदस्त खेले और क्या आपने आपको आपने सच्चा साबित किया इसके साथ ही बहुत सारी तालियां म्यूजिक और आप लोग आ जाइए अपनी जगह पर वापस हाँ जबरदस्त और वाह को यकीन नहीं आ रहा कि वो बाइज़त भरी हो गई है और वाह प्लीज आगे तशरीफ रखिए अब हम अपना गेम खेलेंगे जिसका नाम है फ्लाइंग एरो तो ये फ्लाइंग एरो मैं सबसे पहले उर्वा को देता हूँ ताकि वो पहले खेलें आप प्लीज आगे इसको फॉरवर्ड कर दिए आपके हाथ में रहना चाहिए जब तक मैं आपकी तरफ तीर मारूं आपके पास एक तीर तो होना ही चाहिए चलें
उर्वा आपसे फ्लाइंग एरो शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले मैं आपसे पूछना था, फरहान से शादी ना होती तो किसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती? अली जफर, आतिफ असलम, फवाद खान। देखिए मैं उससे कर लेती हूँ जो बहुत अच्छा प्रपोज करता। फरहान के प्रपोजल को मैच करना भी कोई आसान नहीं है। फरहान ने क्या किया था? आईफिल टावर के सामने घुटनों पे बैठ गए थे और पूरा पैरिस तालियां बजा रहा। अरे दादा, मावरा वहाँ भी साथ थी? जी हाँ। प्लान भी तो मैंने किया होगा। I helped and she made sure कि मुझे नहीं पता चला। I'm surprised. Surprises में you somebody has to help. वाह यार। इनमें से कौन अगर इलेक्शन लड़े तो हार जाएगा? फहद मुस्तफा, महविश या जावेद शेख? जीत जाएगा फहद। फहद मुस्तफा जीत जाएगा। या। अच्छा, ड्राइव करते हुए कौन सा गाना रिपीट पे नहीं सुन सकती? बिल्ली, टूटी फ्रूटी, खिंच मेरी फोटो। तीनों सुन सकती हूँ। तीनों सुन सकती हूँ। सबसे एक बता दो जो नहीं सुन सकती। तीनों बहुत अच्छे हैं। सबसे ज्यादा कौन सा सुन सकती हूँ? ये कर लो यार। खींच मेरी फोटो। खींच मेरी फोटो। हो गया। फरहान सईद के बाद सबसे बेहतर सिंगर कौन लगता है? हसन जहांगीर, सलीम जावेद, वारिस बेग। तीनों में से बेस्ट कौन है? इनमें से बेस्ट कौन? हाँ चलो, हसन जहांगीर। हसन जहांगीर, उनका कोई गाना पता है आपको? हाँ। कौन सा वाला? ये वाला। इतना बुरा नहीं आप खेली मेरे हिसाब से, आप काफी अच्छा खेली है। लेकिन अब देखते हैं कि मावरा कैसा खेलती है। आप ये तीर मावरा को दे दीजिए ताकि मैं मावरा इंशाल्लाह। आप अच्छा गेम खेलेंगे तो गिफ्ट आपको। इनमें से किस मेल एक्टर के लिए आप डबिंग कर सकती हैं? तलत हुसैन, साजिद हसन, सलमान शाहिद। सलमान किसके लिए कर सकती हैं? दिल में सोच रही मेरी आवाज तो मोगैम्बो से मिलती है। के लिए मैं सलमान शाहिद। उनके साथ काम करने का मैंने काम किया हुआ है। और इस तरह मतलब वो भी बात करते करते कहते थे गर्म पानी लाओ, और जब वो गर्म पानी पी रहे थे तो मैं कहती थी मुझे पीते तो मेरी भी बंद हो गई। अगर आपको ये फिल्म ऑफर होती है तो कौन सी करती हैं? अच्छा, रईस, दंगल या बजरंगी भाईजान? अगर बजरंगी भाईजान मुझे मुन्नी का रोल देते हैं तो कर दूं। नहीं बेटा, इतना इतनी बड़ी मुन्नी को कहाँ सलमान भाई के कंधों पे, सलमान के फिर ऑप्शन सलमान के पट्टे चढ़ जाने। नहीं तो उसमें करीना कपूर भी तो थी हीरोइन। दंगल। अच्छा, पीटीआई के धरने में आप क्या करने जाती हैं? सेल्फी लेने, गाने सुनने, ऑटोग्राफ देने? सेल्फीज तो बाय डिफॉल्ट। आपका कैमरा सुना खुद खींच लेता है जेब में पड़े पड़े। नहीं नहीं, लेकिन मैं जाती सपोर्ट करने। सपोर्ट करने जाती हैं? मतलब सपोर्टर हैं आप इमरान खान के? उनकी पार्टी का एजेंडा नया पाकिस्तान। बहुत सारी तालियां हैं पाकिस्तान के लिए। इन में से सबसे बड़ी पर्सनालिटी है सनम सईद, हुमायूं सईद, सानिया सईद? अगर आप फैंडम की मैग्नीट्यूड से देखें तो आई थिंक हुमायूं सईद। बहुत अच्छा खेली, लेकिन मेरे हिसाब से उर्वा ने ज्यादा ब्लंट जवाब दिए। सोचो जिसने घुमा फिरा पाकिस्तान में यही होता है। समझ ही नहीं आई मतलब। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज भी निकली है जो मैंने आपको अब तक नहीं दी है। वो तो साथ साथ चलता ही रहेगा। लेकिन एक छोटा सा काम आप दोनों को करना पड़ेगा कि आप दोनों के जितने फैंस हैं उनके घर ये मग जाएगा। दोनों ने एक मग पे दोनों ने साइन करने हैं ताकि ये दो लोगों के घर जा सके। और हमारे पेज पे जो फैंस हमारे सवालों के जवाब दे रहे हैं, हमारे शो के साथ सेल्फी लगा रहे हैं, उनके घर ये मग जाने के ज्यादा चांसेस हैं जो भी उर्वा और मावरा के सबसे बड़े फैन होंगे। जब तक उर्वा और मावरा ये साइन कर रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि 2 मिनट्स ऑफ फेम जो हमारा एक सेगमेंट है उसमें आज हमारे साथ मजहर शाह मौजूद हैं, जिनकी एक वायरल वीडियो आपने जरूर देखी होगी। वो कराची की एक फूड चेन में काम करते हैं, हमने वहां से उन्हें देखा और यहाँ बुला लिया है। मजहर की तरफ मैं जाऊंगा, उससे पहले मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर दूं। थैंक यू वेरी मच मावरा, थैंक यू वेरी मच उर्वा, आप लोग आए और आपने शो की वैल्यू और ज्यादा बढ़ा दी है, चार चांद लगा दिए। इस तरह के बहुत सारे अल्फाज बोलता है लेकिन टाइम बहुत कम है। अब हम चलेंगे मजहर के पास, आप भी मेरे साथ आएंगे। ओवर टू यू मजहर शाह।